शार्क्स, क्या आपको पता है ये जो दूध का ग्लास आपके पास रखा है वो व्हाइट गोल्ड है। लोग आजकल अपनी हेल्थ और डाइट का खास ध्यान रखने लगे हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, और अगर है भी तो वो प्रोडक्ट्स उनको प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं कैमल मिल्क यानी ऊटनी का दूध, और गोट मिल्क यानी बकरी का दूध। इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी कंपनी आद्विक फूड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। मेरा नाम श्रेय कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम हितेश राठी है और मैं नोखा बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। शार्क्स, अब आप ये सोच रहे होंगे हम बार बार इसे व्हाइट गोल्ड क्यों कह रहे हैं। रिसर्चों के अनुसार अगर मैं कैमल मिल्क की बात करता हूँ तो इसमें नॉर्मल मिल्क के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आयरन, 4 गुना ज्यादा वाइटामिन सी होता है, और ये ऑटिज्म, डायबिटीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होता है। गोट मिल्क डेंगू, डाइजेशन और बच्चों के लिए काफी असरदार माना गया है। हमने अपनी शुरुआत एक प्रोडक्ट से की थी। आज हमारे पास में कैमल और गोट मिल्क से बने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स, घी, सोप्स इत्यादि। पिछले 6 साल में हमने 8 लाख लीटर से ज्यादा दूध और 3 लाख ऑर्डर प्रोसेस कर चुके हैं। एक और बात बताएं शार्क्स, जब हमने शुरुआत करी थी तो कैमल फार्मर्स और गोट फार्मर्स के पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लेकिन आज हम बहुत सारे फार्मर्स को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दे पा रहे हैं और कैमल्स की गिरती हुई पॉपुलेशन को भी बचा पाए। हमने एक ऐसी मार्केट क्रिएट करी जो इंडिया में पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी। हम इस स्पेशल प्रोडक्ट्स की मार्केट में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं और इन प्रोडक्ट्स के फायदे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। शार्क्स, इसके लिए हम आपसे 60 लाख रुपए की फंडिंग चाहते हैं अगेंस्ट 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। अगर हेल्थ है आपकी पिक तो साथ निभाएगा आद्विक। अरे वाह, क्या बात है। कितना वैल्यूएशन हो गया भाई? सर 40 करोड़। तो श्रेय, हितेश, आपका स्वागत है शार्क टैंक पे। प्रोडक्ट के बारे में बताइए, टेस्ट अलग है? यस मैम। कैसे? इसमें जो सॉल्ट्स की कंटेंट की हम बात करते हैं, मिनरल्स के कंटेंट की बात करते हैं, तो इसमें हाई होता है, तो थोड़ा नमकीन है टेस्ट। गोट का कि कैमल का? कैमल का। हाँ, थोड़ा नमकीन है सॉल्ट कंटेंट। डाइजेशन बेटर होता है, वो समझ में आ गया। और कोई हेल्थ बेनिफिट है? सर, वो डाइजेशन बेटर होता है तो आपके ओवरऑल गट को इम्प्रूव करता है। नहीं, तो... इसको समझाइए बात को। डाइजेशन बेटर होता है कि इसका डाइजेशन आसान होता है? ये दोनों बात बहुत अलग है। आई थिंक ये बोल रहे हैं कि इसका डाइजेशन आसान है। इसका डाइजेशन आसान होता है। क्यों होता है? सर, उसके अंदर में लैक्टोज की मात्रा और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है हर मिल्क का अलग अलग होता है। तो इसमें लैक्टोज कम है? कैमल मिल्क है वो आपके पास में, कैमल मिल्क के अंदर में लैक्टोज होता है, बट वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन में कन्वर्ट नहीं होता, जो कि एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है। तो मैं इसको पीऊंगा तो कुछ हादसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको अडेप्ट करने में, मतलब अलग है। आप सिर्फ दूध क्यों पिला रहे हो? आप तो चॉकलेट भी लाए हो साथ में। sure. तो चॉकलेट खिलाइए ना। sure. तो आपका मेन चीज क्या है, चॉकलेट या दूध? मिल्क पाउडर। yes. जैसे अभी मैंने चॉकलेट खाई है तो ये तो नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है, टेस्ट कोई डिफरेंट नहीं लग रहा। सर, शुगर और कोकोआ कोई भी चीज को ओवर पावर करता है, तो उसके अंदर में चॉकलेट में आपको डिफरेंस ऑफ टेस्ट बहुत एक्सट्रीम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ही नहीं लग रहा मेरे को, बिल्कुल फर्क नहीं। बट ये जो चॉकलेट्स है इसके अंदर में देर आर ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स, बीन टू बार कोकोआ, ऑर्गेनिक अनरिफाइंड शुगर, कैमल मिल्क और वेनिला। टेस्ट में तो कोई फर्क ही नहीं है ना? नहीं, टेस्ट में फर्क मुझे लगा फर्क है, लेकिन सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर। सप्लाई चेन के बारे में बताइए, तो आप एग्जैक्टली कैसे प्रोक्योर करते हैं ये कैमल्स, गोट्स के आपके पार्टनर्स कौन हैं, थोड़ा बताइए। हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मर्स के साथ में डील करते हैं। जब हमने फॉर द फर्स्ट टाइम पर लीटर बेसिस प्रोक्योरमेंट सिस्टम हमने अपनाया,
तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फार्मर्स हमारे से डील करते हैं और हम उनको मतलब जैसे पेमेंट साइकिल की बात करें तो एवरी 15 डेज पे हम उनको पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर करते हैं, नो मिडल मैन। उतने हैं कैमल्स एंड ऑल बिकॉज़ अभी तक इसकी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी वाली मैं नहीं कहूंगा कैमल्स की, क्योंकि अगर आप उनके सेंसस देखें लाइव स्टॉक का तो कैमल की पॉपुलेशन डिक्लाइन ही हुई है। Correct. लेकिन इट्स अ होप, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई साइड में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। एक कैमल पूरे साल में कितना प्रोडक्शन दे पाता है, पूरे साल दूध आता है या फिर इट्स साइक्लिक? नहीं सर, इनका लैक्टेशन पीरियड रहता है अराउंड 13 to 15 months। उसके बाद में सर उसमें थोड़ा गैप आता है लाइक अबाउट अगेन 9 to 12 months, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑन एन एवरेज दे गिव अबाउट 3 to 4 liters ऑफ मिल्क। ये आपकी चॉकलेट 300 रुपए की तीन है, छोटी छोटी, महंगी भी है बहुत। यस सर, ये एक्चुअली जो हमारे मिनी वर्जन है ये थोड़ा महंगा है, हमारे पास 70 ग्राम्स के बार भी हैं, दैट इज फॉर 250 रुपीज। वो कितना कंपेयर टू अदर नॉर्मल चॉकलेट कितना फर्क होता है? नॉर्मल चॉकलेट से तो सर 2 times एक्सपेंसिव है, महंगा भी। मैं खाता हूँ नॉर्मल अमूल या कैडबरी। सर तो ये चॉकलेट्स आपके लिए नहीं, ये महंगी है। पर रेगुलर जो प्रीमियम चॉकलेट्स आती है वो लगभग इसी रेट की आती है? यस सर। नॉर्मल एक गोट मिल्क और कैमल मिल्क का रेट क्या अपना पर लीटर? सर कैमल और गोट मिल्क का जैसे जो आप देख रहे हैं जो पाउडर है 200 ग्राम 1250 का पड़ता है, तो पर लीटर अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो समवेयर अराउंड 500 टू 550 रुपीस पर लीटर। पर लीटर? हां yes, महंगा आता भाई। इतना महंगा? यस सर। भाई लेकिन ये जो मिल्क पाउडर का आपका प्रोडक्ट है और आपने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा आपकी सेल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे देश में मिल्क पाउडर इतना पॉपुलर नहीं है। जब आप वेस्ट में रहते हो तो हर ही दिन मिल्क पाउडर देखने को मिलता है। Sure. तो आपने क्यों बनाया है ये, इसकी खपत क्या है, इसके पीछे कुछ रहस्य है? जब हमने शुरू किया था ना सर, तो हम लोग बॉटल्स में मिल्क देते थे फ्रोजन फॉर्म में, ताकि उसकी लाइफ 1.5 महीने 2 महीने तक रहे और हम ओवर द जैसे मेट्रो सिटीज तक हम कवर कर सके, पर उसमें लॉजिस्टिक्स और कॉस्टिंग का चैलेंज बहुत था। बहुत। अभी ये जो आपके पास में पाउडर है ये लाइफोलाइजेशन यानी फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी से बना है, तो जिसमें क्या है कि ये जो ड्राइंग कॉस्ट है इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इसके मेडिसिनल वैल्यूज रहते हैं मिल्क के अंदर में वो पाउडर के अंदर में रिटेन्ड होते हैं। लेकिन ये जब पाउडर जब हमारे पास में आया तो सडनली हमारे जो मार्केट रीच है वो बहुत बढ़ गई। हम लोग जैसे ई कॉमर्स या अपनी वेबसाइट से ऑल अक्रॉस इंडिया, आउटसाइड इंडिया हम केटर कर सकें। तो आपकी सेल बताइए अब आप। 16-17 में हमने एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, वी डिड 67 lakhs, 17-18 वी डिड अबाउट 4.4 crore, 18-19 4.2 crore अप्रॉक्स। वाओ, यही पहले बता देते हैं सवाल ही खत्म। और 19-20 वी डिड 6 crore, 20-21 वी डिड 9 crore। वाओ, पूरी डेयरी बन रही है यहाँ पे। 21-22 वी डिड 7.2 crore। पिछले महीने कितना किया? ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग अभी 50 lakhs पर मंथ। सेल गिरती जा रही है, 7.2 से 6 आ गए, कंपटीशन आ गया। जो आप डाउन देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा रोल कोविड का रहा है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस का कंपोनेंट है उसमें एक्सपोर्ट्स का भी शेयर रहता है, तो वो एक्सपोर्ट्स जो ऑर्डर्स थे वो दैट सडनली ड्राइड अप। 50 लाख का सेल करी, आप पैसा कितना कमाए? लास्ट मंथ 50 लाख में हमने 3 lakh रुपए बचाए। हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट आता है वो वापस इसी में वापस डाल देते हैं। बूटस्ट्रैप ही अभी तक हम लोगों ने कहीं से फंडिंग नहीं ली है। वेरी गुड। जब हम 9 crore तक भी गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ 3 lakh रुपए की थी हम दोनों की मिलाकर। एक तो आप एक नया कैटेगरी क्रिएशन करने निकले हैं और नो दैट्स ब्रेव, और आपने ऑलरेडी 9 crore तक सेल्स बना दिए, प्रॉफिटेबल है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मेरा ये मानना है कि इंडिया में जो एक मिल्क ड्रिंकिंग पैटर्न है इसमें ब्रेक थ्रू करना और टैम को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होगा। सो स्केल में मुझे चैलेंज दिख रहा है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। देखो मेरे को लगता है यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। 9 crore का बिजनेस एक नीश कैटेगरी में बनाना और बहुत डीप काम किया आपने सप्लाई चेन में। आज आपने अपना बिजनेस ठीक से समझा नहीं पाया। आई थिंक दिस इज अ स्पेशल प्रोडक्ट, ये कोई मिल्क रिप्लेसमेंट नहीं है। और ऐसा लोगों को लग रहा है कि काउ मिल्क को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो जरूरत भी नहीं है। 9 crore का बिजनेस आपने बना लिया, जो काउ मिल्क बेच रहे हैं यहाँ पे स्टार्टअप्स आते हैं वो नहीं बना पा रहे।
एक्सपोर्ट्स में मुझे लगता है काफी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए इस बिजनेस में. आपको 50-60-70% टाइम अपना वहीं लगाना चाहिए. आज मैं इससे बाहर हूँ पर आई थिंक आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो 50 लाख का आपका महीने का सेल है, इस 50 लाख में कितना B2B है और कितना डायरेक्ट टू कंज्यूमर है? राइट नाउ डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज मोर देन 75%. तो आपका रिपीट परसेंटेज क्या है? सर रिपीट परसेंटेज हमारा 30% के आसपास है. यार मैं ना थोड़ा सा ना मैं आउट, मैं थोड़ा सा ना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ. 300 रुपए की चॉकलेट अगर आप बोल रहे हो कि इजी है और डबल प्राइस पे दूध बिक रहा है तो मैं तो नहीं खरीदूंगा. मुझे तो कोई इसके जब तक बेनिफिट्स नहीं समझ आएंगे. और बेनिफिट समझाने के लिए कैटेगरी क्रिएशन का काम है. कैटेगरी क्रिएशन इजी नहीं है जब तक आपके पास बहुत पैसे ना हो. तो अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा इन रीजंस की वजह से. ये सब जो हेल्थ क्लेम्स है ना, ये बहुत क्वेश्चनेबल है. और मेरे उसूल ही इसके खिलाफ है कि क्वेश्चनेबल हेल्थ क्लेम्स में नहीं इन्वेस्ट करना. तो इस वजह से मैं आउट हूँ. मैं आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछूंगा. देखो मैं एक तो कैमल हमारे राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है, तो मेरे को लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कैमल की पॉपुलेशन गिर रही. मेरे को है ना बिजनेस का इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया. जैसे राजस्थान के लिए कर दो भाई. अनुपम राजस्थान को मैं बहुत लाइक करता हूँ ऑब्वियसली, पर ये बिजनेस डिसीजन है. अच्छी बात है. यार गुड पॉइंट. आप तो वैसे भी आउट हो तो मेरे को बात करने दो. तो मेरे को बिजनेस केस नहीं बन रहा अभी दिमाग में, बट आपका जो कॉज है कैमल बच रहे हैं मेरे को वो बहुत अच्छा लगा. तो मैं इसके अंदर फिर भी एक ऑफर देना चाहूंगा आपको. आपका 60 लाख का आस्क था एट 1.5%. मैं आपको देना चाहूंगा, सॉरी 60 लाख का ऑफर, 15 लाख इन इक्विटी, 45 लाख इन डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट फॉर आपने जितना बोला था 1.5% इक्विटी. Can we make a counter? Yes, yes, please. आप कहाँ क्या के? Sir, जो आपका split था 15-45, क्या आप उसको 30-30 करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करूँगा. मेरे को अभी लगता नहीं कि इसमें business case बन रहा है. मैं एक cause के लिए invest कर रहा हूँ और मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ काफी. तो मुझे लगता है कि मैं अपने offer पे stick करना चाहूँगा. ले लो. Sure, sir. Thank you. All right, guys, good decision. Well done. Congratulations, sir. देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Persistence आपकी बहुत strong है. चलिए congrats. Good luck, guys. All the best. Thank you.